रानी का राजा यानी कि वीर जो है वो आंसू बहा रहा है क्योंकि उसकी माँ यानी कि रानी माँ जेल जो गई हैं। अब माँ जेल जाएगी तो बेटा तो रोएगा ना, लेकिन बेटे को एक ही सलाह है कि बेटा ज्यादा आंसू मत बहाओ, कुछ करो ताकि आपकी अम्मा जेल से छूट सके। हाँ भाई, घर पे बैठ के आंसू बहाने से क्या होगा। आज बहुत पछतावा हो रहा है, उसे लग रहा है कि अपनी रानी माँ के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाया। रानी से भी वीर का दर्द देखा नहीं जा रहा है, वो चाहती है कि कुछ ऐसा कर दे जिससे वीर का दर्द कम हो जाए। रानी माँ को पुलिस पकड़ कर ले गई है और इस वक्त वो हवालात में है। वीर पूरी कोशिश कर रहा है रानी माँ को जेल से बाहर निकालने के लिए। कभी वो पुलिस वालों से बातें करता है तो कभी अपने वकील से, लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा है। पांच मिनट बोल के आधा घंटा लगा दिया आपने। शायद आप ये भूल रहे हैं कि रजावत परिवार के रानी साहब का केस है ये। इसे लाइटली मत लेना, समझे आप। आई वॉन्ट यू हियर राइट नाउ इमीडिएटली। जितनी देर हम और आप बैठ के बात करते रहेंगे उतनी देर रानी साहब अंदर रहेंगी और मैं ये मुझे मंजूर नहीं है। अब वीर जानता है कि रानी माँ कसूरवार नहीं है। उसे तो लगता है कि एक्सीडेंट किसी और के नहीं बल्कि उसी के हाथों हुआ है। अब हम आप दोनों को बता देते हैं कि कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है, कोई तीसरा ही होगा जिसकी वजह से उस इंसान की मौत हुई है और इसका खुलासा बहुत जल्द कोई और नहीं बल्कि रानी करने वाली है। नहीं, दर्द सिर्फ मेरा है यानी इसका हर एक पल मुझे महसूस करना है क्योंकि यही मेरी सजा है। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहू रानी की ही तो जिम्मेदारी होती है ना, सही को सही साबित करने की और गलत सबके सामने लाने की। तो भाई रानी, जुट जाइए सबूत इकट्ठा करने में अपनी सासू माँ को छुड़ाने के लिए। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आज हम मुलाकात करने वाले हैं जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ के साथ, क्योंकि वो बनकर आ रहे हैं गोरिल्ला। कहां, क्यों, कैसे, इतने सारे सवाल हमारे मन में हैं, आपके भी मन में हैं, तो क्यों ना उन्हीं से पूछ लेते हैं, क्योंकि सवाल के जवाब तो उन्हीं को देने हैं ना। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राज दीक्षित और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। जब हम ये बात कर रहे हैं तब तक आप हेलो चाली का ट्रेलर देख चुके होंगे, वो आपको हंसा चुका होगा, गुदगुदा चुका होगा। और इस वक्त हमारे साथ हैं इस कंटेंट की पूरी कास्ट, ऑफ स्क्रीन हीरोज, ऑन स्क्रीन हीरोज। हमारे साथ हैं मिस्टर रितेश सिद्धवानी, वी हैव मिस्टर विजय सुब्रमण्यम, वी हैव श्लोका पंडित, वी हैव आदर जैन, वी हैव एलनाज, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके ट्विटर में फॉलो करता हूँ। We have the Indian curious case of Benjamin Button, Mr. Jack. I really like that. I really like that. सही बोला आपने। And we have Pankaj sir. और Pankaj sir का जो ऑरा है उन्हें देखकर अभी आपका जो काम भी हमने देखा था, मैं कंफ्यूज हो गया कि ये Pankaj sir ने डायरेक्ट किया है, बिकॉज इनको देखकर पुलिस वाले के गेटअप में उस टाइप का और कॉमेडी। सर ये कैसे आपसे चलना चाहूँगा? जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक टेक्नीशियन हूँ और जो जैसा काम होता है वहाँ पे वैसा काम करते हैं। तो ये कॉमेडी फिल्म थी, यहाँ पे ऑब्वियसली सीरियस कुछ नहीं होता और वो कुछ और चीज़ें हैं, तो वो सीरियस काम है, सीरियस रोल है। सर हमने डबल रोल देखे हैं, लेकिन पहली बार लाइफ में दो बंदर दो गोरिल्लास की हम डबल रोल देख रहे हैं। आपको कैसा लगा गोरिल्ला बनते हुए? लॉट ऑफ फन, बहुत मज़ा आया। हाँ, लेकिन आपने भी जब ये पूरा ड्रेस पहना होगा, शूट करने में काफ़ी दिक्कत आई होगी, बहुत गर्मी थी जैसा हमें पता चला, तो काफ़ी मेहनत, खून पसीना बहाना पड़ा। भाई देखो, एक्टिंग करने किसने बोला? You do it once you take a profession, you gotta do what the script demands, what the director wants.
what you agreed to do. है ना ब्रो? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. पहले तो इतना ही पूछने का, कोई बोला अरे इतना गर्मी इतना महीना, तेरे को एक्टिंग करने किसने बोला? मेरे बाबा ने बोला था. Did I ask you to act? Actually, यादर ये जो जैकी सर का जो एक जेन्यून चीज़ है, बिकॉज जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो यू ट्राई टू बी यू नो सो मच टू द पॉइंट. नहीं नहीं, और जैकी सर जब आते हैं ब्रो चल यार क्या कर रहा है, तो जब आप पहली बार इनसे मिले थे आप सब, इनफैक्ट आप तीनों जी, तो फर्स्ट मीटिंग विद जैकी सर कैसी थी? फर्स्ट या श्योर व्हाई नॉट मोना मैडम जी. आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू फील अनकंफर्टेबल और अनश्योर नेक्स्ट टू हिम, बिकॉज एज यू सेड ही मेक्स यू सो कंफर्टेबल. It's just like it feels like he already knows you since like I don't know 10 years or something, and that's exactly how I felt with him. I shot with him a lot obviously. Thank for the you. Film. Thank you. And just like he's my buddy now. This is how it feels, and I love it. I love being around him. He makes you so comfortable. कुछ songs की हम बात कर रहे थे जो शायद जैकी सर वहाँ पे play करते थे, क्या था वो, कुछ आप बता सकेंगे? He listens to a lot of Iranian music. जो मुझे पता नहीं था पहले. And we were just sitting, the camera was changing, and then suddenly he puts a song on, and I'm like, where is this coming from? मेरे को मालूम पड़ा कि बाबा ईरान की है, तो मैंने immediately गाने शुरू कर दी ईरानी, और उसको ऐसे बोला कि भाई मैं भी बहुत सुनता हूँ. उसको मूड में ला रहा था एक्टर के. हाँ, लेकिन पुराने सॉन्ग्स नहीं थे, नए नए, यू नो. So I'm like, how do you know these songs? You know, these are my favorite songs. That's so it. We had a really nice connection. Yeah, yeah. You should have checked. I think he was playing it from your mobile. Nay, I'm sure it was his phone. No, it was my phone. Yeah. Sure. Adar. So obviously for me, I've known Jackie sir for a very very long time, even before films, and. वो बहुत ही दिलदार इंसान है, बहुत ही कूल है. लाइक यू सिंग इज सो यंग, आई थिंक इज यंगर देन ऑल ऑफ अस ऑन स्टेज, यू नो. ही इज नियरली 40. या 100%. और यू नो हमारी पहली मुलाकात हुई थी हैप्पी न्यू ईयर फिल्म की सेट पे, जहाँ पे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था और सर काम कर रहे थे वहाँ पे. एंड यू नो हम काफ़ी वक्त बिताए, और यू नो ही इज सो इंकरेजिंग एज अ पर्सन, बहुत ही मोटिवेटिंग है. एज एन एक्टर मैं जितना बोलूँ उनके बारे में उतना ही कम होगा. इतनी सारी फिल्में करने के बाद भी वो इतने प्रोफेशनल है, इतने डिसिप्लिनड है, एक चाइल्ड लाइक अप्रोच लेकर आते हैं हमेशा सेट पे, यू नो. सो इट्स सो इंस्पायरिंग फॉर न्यू एक्टर्स लाइक अस टू लर्न, एंड ही इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटिंग बोथ ऑफ अस एंड मेकिंग अस फील सो नाइस, यू नो. अरे अच्छा ही है इन दोनों में, कोई मजाक नहीं है. मैंने भी 37 ईयर्स गुजारे यहाँ पे, बट कॉमेडी इज समथिंग, मजाक नहीं है. उसके लिए ऐसा मतलब सीजन होना, बच्चे सीजन है हमारे. दे सिंसियर, दे नो दे क्राफ्ट, देखने लगे भाई लोग को. जरूर देखना. जब इतने बड़े हस्ती आपके बारे में सब कह जाते हैं, नहीं सिंपलिसिटी है वे, एकदम मासूम है, और वो वाइब्रेंस है एकदम, दोनों का गेम बराबर है. ही इज वेरी स्वीट, ही इज रियली रियली स्वीट. एंड दिस लेडी इज, आप बात ही कर रहे थे इनके बारे में, मैं इनको ऐसे मजाक करके मैंने गाना लगाया था, बट शी इज लुक लवली, शी डन अ ग्रेट जॉब बीइंग फ्रॉम हायर अप नॉर्थ. But he honestly really is a rock star. That look about her, which is like an Amazon herself. Actually, she could be next Wonder Woman. Hey, blue. Hey, Wonder Woman. Then Wonder Woman. Yeah. Wow, you look. Yeah. Keep it up. Keep it up. Thanks. But honestly, he's a rock star in the true sense. As an actor, as a star. So cute. Thanks. Human being. He's one of the best human beings I've ever met. Oh yeah. Maybe we have a mutual admiration club here. Yeah. I love you too much. You know it, buddy. ये मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, रितेश जी एंड विजय जी, कि एक्चुअली टिप्स हमें भी चाहिए, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें भी, कि बैक टू बैक इतने बड़े हिट कॉन्टेंट्स लाने की वो आए, या फिर वो एक अंदर से गट फीलिंग एज अ प्रोड्यूसर, एज अ यू नो इतने बड़ी OTT प्लेटफॉर्म के करता धरता है उससे, ये वो कहाँ से आती है? टिप्स अगर आप हमें दे सकें तो हम लोग तो धन्य हो जाएंगे. टिप्स ये सिंपल है, लाइक जो मैं अभी सुबह से 3-4 दफ़ा कह चुका हूँ कि आई थिंक इंस्टिंक्टिवली गो विथ व्हाट यू फील यू आइडेंटिफाई विथ, आप जिससे आप रिलेट कर सकते हो, यू नो, कि जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो फर्स्ट टाइम, यू नो, सो इन काइंड ऑफ इमोशनली व्हाट डज इट डू फॉर यू, यू नो, सो देयर हैज़ टू बी सम इमोशनल कनेक्ट. आई मीन यू कांट जस्ट मेक इट, हाँ चलो इट्स, यू नो, लाइक व्हेन यू मेक मूवीज और टेल स्टोरीज, इट कांट बी यार शायद ये किसी और को पसंद आए और ये अभी फॉर्मूला है, ये चल रहा है, तो चलो इसमें ये डायरेक्टर ले लो, ये एक्टर ले लो और ये प्रोजेक्ट बना के भेज दो.
I think वो wrong तरीका है. When people say ये business होता है, I don't think you should think it of as a business, because people who do film should not think that this is a business. Because if you don't understand it and you don't put your voice truly and honestly behind that, you will never be able to convince anybody. So I think वही है main, you know. And sometimes you're right, sometimes you're wrong. Sometimes you might believe in something और आप बना दोगे, but maybe people will not connect to it. But it's still fine. As long as you honestly did it and you believed in it, I think that's where it's what is most important. You know, just continue doing what you believe in and what you identify with and relate with. Vijay, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Sure, I mean, ये तो टिप तो ज़रूर नहीं है, लेकिन हमारे लिए कस्टमर को जानना सबसे अहम बात है. और हम जो भी सिलेक्शन करते हैं वो कस्टमर को फ्रंट एंड सेंटर रख के करते हैं. सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ये जो एंटरटेनमेंट का जो टेस्ट प्रेफरेंसेस जो होता है ना, ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड नोबडी कैन इन्फॉर्म यू बेटर देन द कस्टमर हरसेल्फ. तो उनकी बातें सुनो, उनके एनेक्डोट सुनो, देखो ट्रेंड्स देखो, पैटर्न्स देखो, क्या है, व्हाट इज़ ऑब्वियस, व्हाट इज़ अंडर द रेडार, वो सब जानना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक टेकिंग दैट नॉलेज एंड वर्किंग विद यू नो प्रोड्यूसर्स लाइक रितेश इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. गोइंग बैक एंड हेल्पिंग देम डिज़ाइन द विजन creatively is equally important, and that's what allows us to build a variety that we have and the portfolio that we have. And I can say that we put a lot of effort in continuously understanding the customer. It's very, very important. India is a very diverse country. It's like programming for all of Europe. And agar aap hamara selection dekhenge, sirf Hindi nahi, lekin Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada, sab dekho. Har ek language ko hum एक कंट्री जैसे सोच लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है, टेस्ट अलग होगा, बिहेवियर्स अलग होते हैं, स्टोरी टेलिंग का रिदम अलग होता है, सुर अलग होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज एंड नेवर ट्रांसपोर्ट और जस्ट बिलीव दैट हमने अच्छा हिंदी में ये सब अच्छा चल रहा है तो इसका मतलब यही तरीके से हम तमिल में भी प्रोग्राम करेंगे और वाइस वर्सा. That's what we continue to do, and that's what we will always remain focused on. एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, because thanks to OTT platforms, कई सारे writers सामने आ रहे हैं जो बहुत अच्छा लिखते थे, जिनके पास कोई platform नहीं था. लेकिन कई सारे fans हमें ये पूछते हैं कि अगर मुझे Amazon पे अपनी कहानी pitch करनी है, तो मैं कैसे करूँ? That's totally up to you if you want to answer that or not. So it's a fairly straightforward process. You know, there are people whose email IDs are out there. You just have to write to them. You'd also keep in mind that it's a corporation, so there are lots of process related elements that come in. It's not as simple as yaare maine isko ek line suna di and hopefully something will come out of it. So it's very structured and organized. The information is available to everyone, and we listen to practically any and every story, because we do not believe that only certain voices can give us a higher probability of success. A great idea can come from anywhere, and so it's really important, and we place a lot of importance on diversity of thinking as well. You know, the way Pankaj thinks of comedy will be very different from the way someone else thinks of comedy, right? And so it's important to encourage all those voices. So it's pretty straightforward actually in how they get their concepts to us. थैंक यू आदर. आपसे और श्लोका से मैं पूछना चाहूँगा, स्पेशली आपसे ये सवाल, क्योंकि जब ये फिल्म आएगी तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन होगा. कई ऐसे लोग हैं जो नो डाउट बहुत तारीफ़ करेंगे आपकी एक्टिंग की, और कई ऐसे लोग हैं जो कंपेयर करेंगे, बिकॉज आपका ताल्लुक एक बहुत ही बड़े एक इंडियन फैमिली, बॉलीवुड फैमिली से जुड़ा हुआ है. तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं आप? सर एक्चुअली मैं ये प्रेशर फील नहीं करता हूँ. आई थिंक मैं जानता हूँ कि मैं कपूर फैमिली को बिलोंग करता हूँ, जो पिछले 75 सालों से कंट्रीब्यूट कर रही है इस इंडस्ट्री को. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट अचीवमेंट. आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इतने सारे मेंबर्स हैं मेरे फैमिली में जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. एंड लाइक देम आई ऑल्सो वॉन्ट टू इन अ स्मॉल वे टेक द लेगेसी फॉरवर्ड. वेदर आई एम सक्सेसफुल और नॉट आई डोंट नो. अभी मेरे करियर की शुरुआत हो रही है. एंड या आई डोंट रियली फील एनी प्रेशर सर. मैं अपने आप एक सेल्फ इम्पोज प्रेशर डालता हूँ दैट मुझे हर फिल्म के साथ मुझे बेहतर बनना है, अपने एक्टिंग स्किल्स को बेहतर करना है और अच्छी अच्छी फिल्में करनी है और अलग अलग किरदारों को निभाना है. यू नो इट्स एज सिंपल इज दैट. आई डोंट प्रेशर ऑन माई सेल्फ.
श्लोका, प्रेशर है? प्रेशर नहीं है, क्योंकि आई थिंक एवरी वन हैज़ लिटरली टेकन मी इन एज फैमिली. एक परिवार बन चुका है, एकजुट है हम. 2 साल से ये पिक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं. तो प्रेशर इनिशियली था. पंकज सर ने हमें वर्कशॉप्स कराए, आई मीन टू कस द होल थिंग, कि हम प्रिपेयर्ड थे. आई वॉज प्रिपेयर्ड एज अ न्यू कमर की सेट पे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है. अगर कॉमेडी जॉनर है तो स्पॉन्टेनियस सीन कैसे करना है. सो मैं प्रिपेयर्ड थी थैंक्स टू हिम एंड हिज गाइडेंस. एकदम आई वॉज लाइक हिज लिटरली लाइक हिज डॉटर. सो ही इज टेकन मी स्टेप बाई स्टेप थ्रू इट. सो नो प्रेशर बिकॉज ऑफ सच अ लवली स्टार कास्ट एंड सच अ लवली प्रोडक्शन एंड a great director like him. So I'm just really really blessed as a newcomer to have that star. Elnaz, Ganesh Gaitonde se nikal kar seedha Charlie ko hello bolne aa paye hain. Bilkul alag alag genre ka. To kaisi thi journey? Well, I've always wanted to do different things, no? Mere liye as an actor bahut bahut important hai ki aap alag alag characters ko play karo, कोशिश करूँ कि वो भी अच्छे से हो जाए, यू नो, इन द फिल्म. एंड आई रियली वांटेड टू डू कॉमेडी ऑलवेज. माय टू बिगेस्ट ड्रीम्स वर अ थ्रिलर एंड अ कॉमेडी, एंड नाउ आई गॉट द कॉमेडी. सून द थ्रिलर इज गोना कम. सो यू नो, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम गोना डू ऑल ऑफ दैट. एंड नाउ इन हेलो चार्ली, एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, द कॉमेडी इज अ कॉमेडी दैट इज नॉट ऑब्वियस, एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट द फिल्म. आई लव दैट वी जस्ट, इट्स हैपनिंग बिकॉज द स्टोरी इज टेकिंग यू देयर. The surroundings are taking you there, and Mona is obviously when I heard the script and saw narrated the script and I heard, and I was like, okay, I love doing characters who are not just looking pretty in a film, you know, because people always come to me and say, oh, you look so tall, you look so beautiful, you could just do a dance number here, do, and I'm like, okay, but what is it doing in the film? मुझे लगता है हिंदी को लेकर आपकी बहुत टाइम. हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये बहुत अच्छा हिंदी में. वो 5 साल में आई थिंक सीखी है, 5 साल पिछले से 2-3 सालों में सीखी है. तो बहुत अच्छी बोलती है. नहीं, बस मैं भूल जाती हूँ. हिंदी में बात कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, अभी तो भूल गई क्या बोलने वाली थी. छोड़ दो. हाँ, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ वो कुछ कर रही है एक्चुअली फिल्म में, यू नो. एंड मोना इज डूइंग दैट, शी इज पुटिंग द फिल्म इन टू मोशन. फिर इंग्लिश हो गई. फिर भूल गई. बट जैकी सर, आपसे और पंकज सर आपसे ये जानना चाहेंगे, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, एक डिफरेंस जो पहले के एक्टर्स थे और जो भी नया लॉट ऑफ यंगर जनरेशन आ रहा है उनके अंदर एक डिफरेंस आप ऑब्वियसली देखते होंगे, बिकॉज आप तो इतने सालों से काम कर रहे हैं. कब की बात कर रहे हैं? कौन से साल की बात? 70s 80s 90s? सर वो आप, मैं तो 80 में आया. ब्लू मैं आया तभी तो दो तीन पिक्चरें एक दिन में करते थे हम लोग. तो वो आजकल नहीं देख रहा हूँ, करने भी नहीं दे रहे शायद. मगर मे भी कॉन्टेंट की इतनी ज़रूरत पड़ेगी, एक्टर्स लोग कम है, गिनके जितने क्या करेंगे, वो कितनी पिक्चर करेगा. तो वैसे ही होता था उस वक्त. 20 पिक्चर तो नॉर्मल था साल में. 20 पिक्चर नॉर्मल वो मतलब नॉर्मल है. बड़े बड़े थे जो बड़े बड़े करते थे, और प्रोड्यूसर्स ही बोलते थे आके कि यार 4 घंटा दे दे. उसके सेट मैंने बात कर ली है तेरे प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर को भी बोल दिया मैंने, मैं भी सेट बाजू में लगा रहा हूँ. तो वैसे करके हम लोग 3 पिक्चर दिन की करते थे, 3 शिफ्ट्स, 3 डिफरेंट फिल्म्स. वो नहीं हो रहा है. अच्छी बात है, फोकस करके काम कर रहे, एक चीज़ को लेके उसको दम बिरयानी उसको सवारता है, ताज बना रहा है. मगर वो टाइम भी आएगा, मेरे को लगता है कि 2-3 करना ही पड़ेगा, 2 शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा. बिल्कुल नहीं तो इन लोग को मसाला कहाँ से मिलने आता है? टीवी बीवी चलाने के लिए मसाला चाहिए ना भाई. कॉन्टेंट कितना चाहिए, कितने गिन के एक्टर है भाई, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे. गाँव से अच्छे एक्टर आ रहे हैं, मगर कब तक? वो भी बिजी हो जा रहे हैं. राइटर्स की कमी है. हमारे एक्टर्स तो सिंसियर है, डिसिप्लिन्ड है, टाइमिंग है उनका परफेक्ट है. दे आर लकी टू बी बॉर्न इन अ टाइम व्हेन दे हैव सीन अ लॉट. अपन ने जब देखे थे तो कुछ थोड़े बहुत देखे थे, देखा था बड़ों को, देखा था पैसे उड़ाए थे. हर डायलॉग्स पे, हर उनके स्टाइल पे, उनके जूतों पर पैसे उड़े हैं. समझे, वो स्टारडम अलग था बेड़ू. वहाँ क्या एक्टर्स दिखते नहीं थे तो हम लोग देखने चले जाते, वह हला दे, मतलब कैसे दिखते होंगे, कहाँ रहते हैं. आज तो भिड़ू जहाँ भी रस्ते हो, क्या वाह क्या भिड़ू की अपन एकदम, मतलब घर का हो गया सब, समझा. मगर इनमें जो बात है यंगस्टर्स में, वो शायद मैंने अपनों में नहीं देखा था.
था, डिसिप्लिन था, सब पिक्चर कंप्लीट करता था, टाइम पे करते थे, वो इनकी सिंसियरिटी बहुत है। मेरा बेटा देखा मैंने, इसका आधार को देखा मैंने, बाकी के अच्छे अच्छे बच्चों को देखा, सिंगर है हमारी, ये दो बच्चे हैं यहाँ पर है, दे आर फैंटास्टिक, फ्लूइड है उन लोग, फ्लूइड है, कोई भी रोल में घुस सकता है, ऐसे बच्चे लोग है, ये तो है ही है, ये भी है, ये आप करके आपके सामने उसकी भी बात और है, वो पर्दे पे जो इंडियन ड्रेस में कोई और दिखती हैं, आज कोई और दिख रही हैं, मतलब दीज गाइज हैव इट इन देम, वी डिडंट हैव, वी हैड इट, वी हैड नो आइडिया, वी डोंट नो हाउ टू, हम लोग को मालूम ही नहीं था, मेरे को तो मालूम ही नहीं था, मैं तो यहाँ घूम रहा था बस, कि ये करने का, वो करने का, वो करने का, इन लोग के पास टाइम है, स्थिरता है। स्थिरता, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? बिकॉज आपने तो बाकायदा वर्कशॉप्स लिए हैं सबके साथ, और आप सबको अंदर से जानते हैं कि इससे एक्टिंग कैसे करनी है। नहीं, अभी आजकल ये ज़रूर कहूँगा इनके बारे में कि ये लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और लगे रहते हैं जब तक चीज़ नहीं हो, एंड दे आर वेरी हैप्पी विथ, एंड दे आर वर्किंग ऑन देयर वॉट एवर, जो जो उनमें कमियाँ हैं या उससे उसके ऊपर काम कर आराम से करना चाहते हैं, और काफ़ी इन्होंने मेहनत की है, राइट फ्रॉम वर्कशॉप्स टू डबिंग्स थ्रू आउट, काफ़ी मुझे तो ऐसा लगता है ये लोग इतने फोकस्ड हैं, शायद ओल्डर जनरेशन इतनी फोकस नहीं थी। वाइट जेन्यून आंसर, एंड ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, जाते जाते बहुत ज़रूरी है पूछना सर, फैमिली मैन कब आ रहे हैं? बहुत जल्द, बहुत जल्द, फिलहाल ये फैमिली के लिए एक एंटरटेनर आ रहा है, करेक्ट, उससे पहले 9 अप्रैल को फैमिली एंटरटेनर आ रहा है जरूर, और हम सब लोग। चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द लक, उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू, शुक्रिया दादा, थैंक यू सो मच। फैमिली मैन सोनिया, पंड्या स्टोर में शादी किसी की हो रही थी लेकिन किसी और की हो गई, और जिसके कारण जिसकी पहले होने वाली थी वो दुखी हो गई और उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। तब कमरा कौन खोलेगा? ना 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 ना, ना आप ये मत समझिए कि सीआईडी से दया भाई आएंगे और दरवाज़ा खोलेंगे, क्योंकि यहाँ भी तो दया की तरह हट्टा कट्टा एक बंदा है जो दरवाज़ा तोड़ सकता है, लेकिन क्या उसने तोड़ा? उसकी मर्जी है तोड़ने की? चलिए, ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा पंड्या हाउस। जिसने बचपन से ही सपना देखा था देव की दुल्हनिया बनने का, और अब हम सब ने देखा कि उसका सपना एक कैसे चकनाचूर हो गया। उसके नसीब में अब देव का प्यार आएगा ही नहीं, क्योंकि देव ने तो ऋषिका से शादी कर ली है। अब उसे इतना बड़ा सदमा लगा है कि घर वाले भी समझ नहीं पा रहे हैं कि दरवाजे के उस पार आखिर रावी एक कौन सा कदम उठाने वाली है। धरा, शिवा और गौतम ये सब दरवाजा ठोक ठोक कर परेशान हो गए हैं कि रावी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बस मामे की बहन की बेटी जो है, जिससे मैं नफरत करता हूँ, उसने वापस आज कुछ बेवकूफी करने की कोशिश की है, तो हम सब उसे ढूंढते हुए आए हैं यहाँ पे। तो मामी से दरवाजा टूटा नहीं तो शिवा तोड़ेगा। बकवास कर रहा है ये, कुछ नहीं, इसके साथ शादी जिसकी हो जाए वो तो ऐसे ही मरने चला जाएगा। नहीं, मैं बैठी हूँ। काश ऐसे मौके पर अगर एसीपी प्रद्युमन होते तो जरूर कहते दया को, दया दरवाजा तोड़ दो। अब दया दरवाजा तोड़ने आता, इससे पहले इस शिवा ने ही दरवाजा तोड़ दिया, और देखिए
जैसे ही दरवाजा टूटा सब चौंक गए क्योंकि रावी तो आत्महत्या करने जा रही थी। उसे शिवा ने बचाया और शिवा को ही वो बोल रही है कि उसे क्यों बचाया। अब भी रावी किस्मत में जो लिखा होता है ना वही होता है। जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं। शायद आपकी जोड़ी शिवा के साथ बनानी होगी भगवान को। और आपको बता दे ऐसा होगा और ये फैसला कोई और नहीं बल्कि धरा भाभी ही लेगी। अब शिवा किसी की बात मानेगा तो वो सिर्फ एक माँ है और एक भाभी है जो माँ समान है उसके लिए। तो अब मेरे लिए तो रावी भी बच्ची है और बचपन से मैं भी उसको देखती आई हूँ और रावी से मेरा कोई बैर नहीं है भले मामी की बहन की बेटी हो। बट फिर भी तो धरा चाहती है कि देखो अभी अनीता का जो हाल हुआ मैंने गौतम से शादी कर ली वो अभी तक कुंवारी बैठी है तो रावी फिर पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी। इसलिए हमने सोचा कि शिवा के साथ उसका टाका बढ़ा दिया जाए और उसकी शादी कर दी जाए क्योंकि आगे जाके तो प्यार मोहब्बत हो ही जाएगी। यानी कि एक ही घर में दो ऐसी बहुएं आएंगी जो एक ही को प्यार करती हैं। तो रिशिता तो बिल्कुल पसंद नहीं करती है रावी को क्योंकि ऐसे कैसे उसने सोच लिया कि वो मेरे देव से शादी कर लेगी है ना। तो इसलिए वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब वो थोड़ी थोड़ी तंग करेगी ऑब्वियसली अभी पता नहीं शायद। तो भाई धरा भाभी तैयार हो जाइए देव और ऋषिका के बाद शिवा और रावी को भी इस घर में लाने के लिए। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गहना बिचारी दुखों की मारी। वैसे दुखों की मारी नहीं है मुसीबत की मारी है। वैसे बात तो एक ही है और वैसे भी उसका दुश्मन भी तो एक ही है सागर। तो देखिए अब की बार सागर ने क्या चाल चली है गहना को फंसाने की। सही तो है एक ही पापी तो है इस दुनिया में जो गहना का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो दुश्मन है सागर। अब देखिए ना सागर गहना का पीछा छोड़ता ही नहीं है। हाँ घर के मेंबर अपना तो एक ही पापी है हमेशा का वो है सागर। और ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि और किसी को पता नहीं था कि गहना मंदिर आने वाली है। ये लास्ट मिनट प्लान था और बस इसलिए हमें लगता है कि सागर है और यहाँ पे बस बहुत करीबी से निकलते भी हैं पर मैं पहचान नहीं पाता हूँ कि वो सागर है क्योंकि फिर से उन्होंने भेस बदला हुआ है। वो इतने भेस बदलते हैं मतलब 7 भेस बदल चुके हैं वो 5 महीने में तो शायद उनका पासपोर्ट कैंसिल ही हो जाएगा अब। अपने अनंत जी के सही सलामती के लिए एक गहना मंदिर आई थी भगवान से प्रार्थना करने कि अचानक से भेस बदल कर सागर भी पहुंच गया और हमेशा की तरह उसने फिर की एक घटिया हरकत। गहना को बेहोश करके उसने डोली में बिठा दिया और बेचारे अनंत जी गहना को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। मौकाए वारदात पर पुलिस वाले भी पहुंचे लेकिन भाई हमेशा की तरह ये लेट हो गए क्योंकि किडनैप करने वाले ने गहना को किडनैप कर लिया है। अब ये नहीं जानते कि गहना खुद की रक्षा कर सकती है। जब उसे होश आएगा तो सागर के होश वो ठिकाने लगा देगी। अब ये पहले वाली डरी सहमी गहना नहीं है ये तो वकालत करने वाली गहना है जो मुलजिम को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। से कैमरामैन विपुल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
सावधान, अभी जो आप कहानी देखेंगे ना उसको देखने के बाद आपका भी मन करेगा कि गोल गप्पे गपा गप खा जाएं। लेकिन सावधान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, एक बार फिर कोरोना ने सर उठाया है, एक बार फिर केसेस बढ़ रहे हैं, तो गोल गप्पे खाने हो तो घर पर ही बनाकर खाएं, बाहर के बिल्कुल मत खाएं। के 2:30 बजे जब आप ये गोल गप्पे खाने वाला सीन देखेंगे ना, तो सच में आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। अब मोही देखिए कितनी खुश नसीब है कि उसे इतने सारे गोल गप्पे खाने मिल रहे हैं और ऊपर से सीन भी शूट हो रहा है। जी हाँ, शादी मुबारक में गोल गप्पे खाने का कंपटीशन चल रहा है। गोल गप्पे किसे पसंद नहीं है, जिसको पसंद नहीं है मेरे ख्याल से उसके लाइफ में मसाला ही नहीं है। सो ओके, जोक्स अपार्ट, मुझे बहुत पसंद है गोलगप्पे और अभी पैंडमिक के दौरान हम लोग बाहर खा नहीं पाते, लेकिन असली मज़ा जो गोलगप्पे खाने का है वो रास्ते पे सड़क पर खड़े होकर जब वो खिलाते हैं तभी ज़्यादा मज़ा आता है। जो भी कम समय में सबसे ज़्यादा गोलगप्पे खाएगा उसे पूरे 35,000 रुपये का इनाम मिलेगा। भाई वाह, ये कॉम्पिटिशन तो सच में बड़ा ही अच्छा है। गोल गप्पे भी खाने मिलेंगे और साथ ही 35,000 रुपये भी मिलेंगे। नहीं, मैंने आज दोपहर का खाना बहुत कम खाया बिकॉज इसके बाद हमारा गोल गप्पे का सीक्वेंस है जहाँ पे दबा के गोल गप्पे खाने, इट्स अ कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन जहाँ पर मैं गोल गप्पे खाकर और 35,000 शायद जीतूँ या ना जीतूँ पता नहीं, अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए, तो मैं यहाँ कॉम्पिटिशन में आई हूँ। अब मोही और विशाल इन दोनों का मकसद एक ही है, अपनी बेटी प्रीति का एडमिशन करवाना। लेकिन फिर भी विशाल तो विशाल है, उसका दिल विशाल नहीं बहुत छोटा है। जब देखो उसका ईगो हर्ट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बीबी की मौत मोही की वजह से ही हुई है। विशाल जी का ईगो ही हर्ट हुआ है क्योंकि वो बहुत नफरत करते हैं मुझसे, वो तो बच्ची की वजह से उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा है, बट वो चाहते हैं कि मेरे पैसे से मेरी बच्ची का एडमिशन हो, हर वक्त मोही ही क्यों क्रेडिट ले, तो इसकी वजह से शायद विशाल भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे और देखते हैं जीत किसकी होती है। मेरे और जो मोही है उस किरदार के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है मोही को, उसको ऐसा लगता है कि मोही उसकी वाइफ की मौत की जिम्मेदार है, तो उन्हीं सब चीज़ों के बीच में जो ड्रामा चल रहा है उसी के दौरान एक सीक्वेंस है जिसके अंदर ऑफ कोर्स एक कंपटीशन होता है, उसके अंदर हमारे बीच में कंपटीशन होता है और फाइनली वो जीत जाती हैं और ऑफ कोर्स मेरा ईगो तो हर्ट होता ही है। अब जैसा कि हीरोइन कंपटीशन नहीं जीतेगी तो कौन जीतेगा, हीरोइन जीत भी गई और उसने अपनी जीत की रकम विशाल को देनी चाही, लेकिन विशाल ने उसे खरी खोटी सुना दी और ये पूरा नज़ारा केटी जी देख रहे थे। अब केटी जी को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी प्रीति जी को वापस कैसे पाएंगे क्योंकि प्रीति जी उफ मोही वो तो अपने ही कुछ पचड़ों में इस कदर फंसी हुई है कि उसे तो याद ही नहीं है कि उसकी जिंदगी में केटी नाम का भी कोई है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।